हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू ईवीएस क्लासेस. इन ईवीएस यू आर स्टडिंग चैप्टर 14. चैप्टर नेम इज़ फूड प्रिजर्वेशन. इसमें हमने व्हाई फूड गेट स्पॉइल्ड, भोजन क्यों ख़राब हो जाता है, इस हेडिंग को हमने पढ़ लिया था. एक बार से फिर आइए देखते हैं, रिवाइज करते हैं. हमने क्या पढ़ा था? फूड प्रिजर्वेशन क्या है? भोजन को ख़राब होने से बचाने के लिए किया गया उपाय फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है. भोजन को जल्दी खराब ना हो इसके लिए जो उपाय किया जाता है वो प्रिजर्वेशन होता है. प्रिजर्वेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए जो भी चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं उसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं. जैसे अगर घर में हम बात करें पिकल्स की, अचार की, तो अचार में हम लोग नमक तेल डालते हैं जिसकी वजह से अचार जो है जल्दी ख़राब नहीं होता. नमक तेल, सिरका, तो ये सारी चीज़ें, विनेगर, सॉल्ट, ऑयल, ये सारे उस पिकल्स के लिए प्रिजर्वेटिव्स हैं क्योंकि वो उसको जल्दी ख़राब होने से बचाते हैं. उनमें बैक्टीरिया जल्दी, नमक की मात्रा अगर हम ज़्यादा डालते हैं या तेल, नमक तेल या सिरका अगर डालते हैं तो अचार जल्दी ख़राब नहीं होता. तो ये अचार के लिए ये सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसको ख़राब होने से बचाते हैं. कोई भी चीज़ जब ख़राब हो जाती है, फूड जब ख़राब हो जाता है तो उसमें बैड स्मेल आने लगता है. वो देखने में वो फर्मेंटेड हो जाता है, मतलब वो झाग जैसा दिखाई देने लगता है, पतला दिखाई देने लगता है. उसका जो रंग है वो ब्राउन ब्लैक हो जाता है, उस पर धब्बे पड़ जाते हैं. आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, फंगाई डेवलप हो जाते हैं जो खाने को स्पॉइल्ड करते हैं, बर्बाद करते हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं, वो आँखों से हमें दिखाई नहीं देते. माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल. ये नमी वाले टेम्परेचर में पनपते हैं. अगर टेम्परेचर राइट टेम्परेचर उन्हें मिले, मॉइस्चर मिले, तो ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं. हम देखते हैं चावल और दाल में, कोई ज़रूरी नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही, चावल और दाल में थोड़े से बड़े साइज़ के भी जो इंसेक्ट्स हैं वो भी चावल और दाल को ख़राब कर देते हैं, उसमें होल बना देते हैं और कभी कभी इतना खा लेते हैं उसको कि वो चावल और दाल बिल्कुल पाउडर बन जाता है. आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिजर्विंग फूड. यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे फूड कैन बी स्टोर्ड फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड बाई कीपिंग इट इन द फ्रिज. हम लोग खाना बनाते हैं तो उसको हम फ्रिज में रखते हैं. फ्रिज में रखने से भोजन को कुछ ज़्यादा देर तक हम उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं. फॉर स्टोरिंग फूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड द मैथड यूज आर. भोजन को ख़राब होने से बचाने के लिए, ज़्यादा समय तक भोजन टिके इसके लिए जो भी तरीका हम उपयोग करते हैं वो है ड्राइंग, सुखाकर, फ्रीजिंग, पिकलिंग मतलब उसमें नमक डालकर, कैनिंग और टेट्रा पैकिंग, कैन में बंद करके या फिर टेट्रा पैकिंग करके. निर्वात में अगर पैकेजिंग की जाती है कि हवा ना जाए तो इससे भी किसी भी चीज़ को कुछ ज़्यादा समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है. देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, रिमेंबर If people all over the world stopped wasting food, यदि पूरी दुनिया के लोग भोजन के को बर्बाद करना छोड़ दें, then there will be enough food to feed millions of hungry people across the globe. तो संसार में लगभग millions of people भूखे सो जाते हैं, उनको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाएगा. अगर व्यक्ति अपने भोजन को बर्बाद करना छोड़ दे, थाली में खाना छोड़ना जो हम लोग वेस्ट कर देते हैं, जरूरत से ज़्यादा ले लेते हैं उसके बाद नहीं खाते हैं, फेंक देते हैं, अगर वेस्ट करना भोजन को हम छोड़ दें
तो मिलियंस ऑफ पीपल जो हंग्री, जो भूखे सो जाते हैं, उनको खाना मिल जाएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, भोजन का संरक्षण। टू प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन सच एज फ्रीजिंग, ड्राइंग, कैनिंग, पैकिंग इन वैक्यूम। भोजन को ज़्यादा समय तक प्रिजर्व करने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए अनेक प्रकार के तरीके उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि फ्रीजिंग, ड्राइंग, कैनिंग, पैकिंग इन वैक्यूम, निर्वात में पैकेजिंग, और नाइट्रोजन गैस कैन बी अडॉप्टेड। इसके लिए नाइट्रोजन गैस का भी उपयोग किया जाता है। सब्सटेंस लाइक सुगर, विनेगर, सॉल्ट, ऑयल एंड केमिकल्स। कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि चीनी, विनेगर मतलब सिरका, सॉल्ट मतलब नमक। बच्चों ये पेज थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है और इस समय मेरे पास बुक भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से समझाने की। सब्सटेंस लाइक सुगर, विनेगर, सॉल्ट, ऑयल एंड सर्टेन फूड। सब्सटेंस जैसे कि सुगर, चीनी, विनेगर मतलब सिरका, सॉल्ट मतलब नमक, ऑयल मतलब तेल, ये जो सर्टेन फूड है, केमिकल्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इन सबको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। प्रिजर्वेटिव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भोजन को खराब होने से, जल्दी खराब होने से बचाते हैं। दीज प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड मोस्टली टू बॉयल्ड फूड। ये सारे प्रिजर्वेटिव मोस्टली प्राय बॉयल्ड फूड में यूज़ होते हैं, कैन और टिन फूड में यूज़ होते हैं, एंड इवन पैक्ड फूड आइटम, और यहाँ तक कि जो फूड आइटम पैक्ड होते हैं उनमें उपयोग किए जाते हैं। डिहाइड्रेशन और ड्राइंग। द वर्ड डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूविंग वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम फूड। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी को निकालना, या फिर इसको हम ड्राइंग भी कह सकते हैं, या फिर सुखाना। अगर हम बहुत सारे फूड आइटम ऐसे हैं जिसको ड्राई करके उसको ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व किया जाता है, जैसे कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनकी जो खेतों में बहुत ज़्यादा जिनकी कुछ वेजिटेबल्स हो जाते हैं, प्लेंट फुल हो जाते हैं, जरूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन वेजिटेबल्स को ड्राई करते हैं सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में उसको सुखा देते हैं और फिर दोबारा उपयोग करते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर भी अगर फार्मर्स के घर में ज़्यादा हो जाता है, या फिर कोरिएंडर, धनिया ज़्यादा हो जाता है, तो उसको सनलाइट में सुखा देता है और फिर उसका उपयोग, उस समय उसका उपयोग करता है जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो इस तरह से भी चीज़ों को ड्राई करके, सुखा के भी उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। आप देखते होंगे कि आपको जो है सूखा मेथी, सब्जी में फ़ौरन डालने के लिए सूखी हुई मेथी के पत्ते मिलते हैं, तो ये क्या होता है, ड्राई करके, पत्तियों को ड्राई करके ही बनाया जाता है। द वर्ड डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूविंग वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम फूड। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूविंग मतलब होता है हटाना, वाटर और मॉइस्चर, पानी या फिर मॉइस्चर हटाना फ्रॉम फूड, भोजन से। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है भोजन से पानी या मॉइस्चर को हटाना। द होम मेथड ऑफ डिहाइड्रेशन इज सन ड्राइंग। घर में भोजन को डिहाइड करने का सबसे आसान उपाय क्या है, सन ड्राइंग, सूर्य की धूप में किसी चीज़ को सुखाना। फूड्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मेथी, पुदीना, कोरिएंडर मतलब धनिया। सम फूड आर कुक्ड एंड देन ड्राइड। देखिए यहाँ पे ड्राइड एंड देन कुक्ड होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को सुखाया जाता है और फिर उसको भोजन में पकाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। लोअरिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग। देखिए टेम्परेचर लो करके भी बहुत सारी चीज़ों को खराब होने से बचाया जाता है। इफ फूड इज स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर, द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम कैन बी कंट्रोल्ड। अगर भोजन को बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर में अगर स्टोर किया जाए तो भी जो बैक्टीरियाज हैं वो नहीं उसमें पनप पाते हैं,
तो इस तरह से भी भोजन को खराब होने से जल्दी खराब होने से बचाया जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज एंड फ्रीजिंग आर बोथ कॉमनली यूज्ड एट होम। कोल्ड स्टोरेज और फ्रीजिंग ये सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं घरों में। पीज, कॉलीफ्लावर, बीन्स एंड कैरट्स ऑल कैन बी फ्रोजन। इन सारी चीज़ों को फ्रोजन करके ज़्यादा समय तक अच्छा रखा जा सकता है, मतलब जो लो टेम्परेचर में बैक्टीरिया जो है वो नहीं, उनका ग्रोथ नहीं होता, वे नहीं पनपते हैं। तो टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर में फूड आइटम्स को हम रखते हैं तो भी हमारी जो चीज़ें हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होती, उनका उपयोग कुछ ज़्यादा समय तक हम कर सकते हैं। कैनिंग और बॉटलिंग फूड, दिस इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर टू किल बैक्टीरिया एंड देन क्विकली कूल्ड एंड ऑल द एयर रिमूव्ड फ्रॉम द फूड। देखिए, जो मिल्क की पैकेजिंग की जाती है उसमें भी यह मेथड अपनाया जाता है। मिल्क को जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए उसको क्या किया जाता है, पहले उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने से दूध में जो भी बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद अचानक से उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, और तुरंत ठंडा करके, तुरंत गर्म करके और तुरंत फिर ठंडा कर दिया जाता है, और उसमें के जो भी एयर हैं उसको हटा दिया जाता है, उसको पैक कर दिया जाता है। तो यह दूध जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की पैकेजिंग इस तरह से की जाती है। दिस इज़ हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, फूड को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं टू किल बैक्टीरिया, ताकि उसमें जो भी बैक्टीरियाज हैं वो मर जाएं। उसके बाद एंड देन क्विकली कूल्ड, और फिर तुरंत ही उसको ठंडा किया जाता है एंड ऑल एयर रिमूव्ड फ्रॉम द फूड, और फूड में जो भी एयर है उसको हटा दिया जाता है। टेट्रा पैकिंग इज एन एक्सपेंसिव वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड। टेट्रा पैकिंग भी की जाती है, भोजन को बिल्कुल निर्वात में रखा जाता है, इसमें नाइट्रोजन गैसेस का भी उपयोग किया जाता है जिससे फूड जो है जल्दी ख़राब नहीं होती, बट इज़ अ सेफ मैथड। लेकिन यह जो है वो एक सेफ मैथड है। देखिए, ये ग्रैंड माँ का मेथड दिया हुआ है प्रिजर्विंग फूड। घरों में जो अचार बनते हैं उस अचारों में सॉल्ट वगैरह डाला जाता है ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, मेनी फूड वर मेड इनटू पिकल्स एंड प्रिजर्व्ड। पुराने समय में बहुत सारे फूड जो है वो अचार बनाने में उपयोग किए जाते हैं थे और उसको प्रिजर्व किया जाता था। दिस वॉज डन बाई द फर्स्ट ड्राइंग द वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एंड देन पुटिंग इट टू नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। तो इसके लिए किया क्या जाता था, पहले जो भी फल या सब्जियां हैं उसको धो के उसको अच्छे से सुखा दिया जाता था ताकि उसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे, उसके बाद उसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता था। देखिए, प्रिजर्वेटिव्स भी दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स वो हैं जो जैसे कि नमक, चीनी, ऑयल, ये सारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं। नमक, चीनी, ऑयल, हल्दी, ये सारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं। लाइक ऑयल, सॉल्ट, लेमन जूस, ईटीसी। लेमन जूस भी एक प्रिजर्वेटिव है। एंड कीपिंग देम इन द सन, और इन सारे चीज़ों को मिलाकर सूर्य की धूप में रखना, जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं उनको, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को धो के उसको अच्छे से सुखा के उसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स मिला के उसको सनलाइट में रखना। पीपल प्रिजर्व अ सर्टेन फूड व्हेन इट इज़ प्लेंटफुल एंड प्लेंटफुल सो दैट दे कैन हैव इट व्हेन द फूड इज़ नॉट अवेलेबल। देखिए, लोग क्या करते थे, जब कोई भी फूड आइटम्स फार्मर्स के घर में जब बहुत ज़्यादा हो जाता था, जब कोई भी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो इसी तरह से वो प्रिजर्व करके रखते थे उसका, सब्जी, उन सब्जियों का पिकल्स बना के, अचार बना के उसको रखते थे, और जब वो फूड जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं हो तब उसका उपयोग वो करते थे। तो पिकल्स बना के या फिर उसको सुखा के, इससे पहले हम लोगों ने ड्राइंग मेथड पढ़ा, तो ड्राइंग मेथड के द्वारा भी बहुत सारी सब्जियों को सुखा के रखा जाता था, फिर जब सब मार्केट में वो अवेलेबल ना हो तब उसका उपयोग किया जाता था। मैंगो जूस
मैंगो जूस, मैंगो चटनी, मैंगो पिकल्स इटीसी आर मेड इन समर. ये गर्मी में बनाए जाते हैं. मैंगो का जूस, मैंगो की चटनी और मैंगो का अचार ये गर्मी में बनाए जाते हैं. When the market is full of mango, जब बाजार में बहुत सारे mangoes मिलते हैं, so that it can be used throughout the year, और साल भर, ताकि साल भर उसका उपयोग किया जा सके. हम लोग देखते हैं कि जो भी अचार मार्केट में जब अवेलेबल होते हैं तो उसका हम अचार बनाते हैं, उसके बाद वो मार्केट में नहीं भी मिलता है तो भी हम साल भर उसका उपयोग करते हैं उन अचारों का. Write the name of three vegetables, fruit that can, canned or boiled. बॉटल्ड, तीन फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जिसको कैन या बॉटल्ड में करके रखा जाता है. तो ये आप करेंगे. देखिए, वेस्टेज ऑफ फूड, भोजन की बर्बादी, ये आप पहले भरेंगे, उसके बाद मैं इसको कराऊंगी, मैं इसको कल बताऊंगी. पहले आप इसको करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा. पहले पढ़ेंगे और उसके बाद ये फिल करेंगे. देखिए, वेस्टेज ऑफ फूड, भोजन की बर्बादी, खाने से ज़्यादा हम खान जितना नहीं खाना हो उसे अधिक अगर हम खाना ले लेते हैं तो हमें छोड़ना पड़ता है. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिलियंस लोग, मिलियंस पीपल ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जो बिना खाए सो जाते हैं. ट्राई नॉट टू लीव लेफ्ट ओवर ऑन योर प्लेट, अपने खाने में ज़्यादा खाना, हमें प्लेट में ज़्यादा खाना नहीं लेना चाहिए. फूड शुड ऑलवेज बी सर्व्ड इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन सो दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ इट. हमें भोजन एक स्मॉल प्रोपोर्शन में, कम मात्रा में लेनी चाहिए ताकि वो वेस्ट ना हो. फिनिश व्हाट्स ऑन योर प्लेट एंड दे गो इन फॉर सेकेंड हेल्पिंग. सबसे पहले प्लेट में हमने जितना लिया है उसको अगर हम खा लेते हैं तब हमें दोबारा खाना लेना चाहिए. एक ही बार ढेर सारा खाना हमें नहीं लेना चाहिए. इवन इन स्कूल द फूड You leave in your tiffin boxes goes into the dustbin. यहाँ तक कि स्कूल में जब खाना आप छोड़ते हो अपने टिफिन में तो ये कहाँ चला जाता है? डस्टबिन में चला जाता है. Wasting food is very bad habit. भोजन को बर्बाद करना ये बहुत खराब आदत है. Especially in a country like ours. इस मुख्य रूप से हमारे जैसे देशों में, वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल गो टू बेड ऑन एन एम्प्टी स्टमक, जिसमें हजारों लोग भूखे सो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, बिना खाना खाने की कमी होने की वजह से. एंड मेनी मोर स्टार्व टू डेथ एवरी ईयर. और यहाँ तक कि अधिकतर लोग भूख के कारण प्रत्येक साल मर भी जाते हैं. तो पेज नंबर 86 and 87 आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे और ये फिल करेंगे कौन कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट को बॉटल्स में बॉटल किया जाता है या फिर उसको कैन में भर के रखा जाता है. कल हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस करेंगे. थैंक यू.